हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ में हमारी कोशिश ये होती है कि सारे ऑप्शन भी आपको क्लियर हो जाएं, जिससे कि एग्जाम में पूछे गए नए क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने में मदद मिले। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, श्यामत आमाल किसका इंशाइया है। ऑप्शन आपके पास में यूसुफ नाजिम है, अहमद जमाल पाशा है, मुश्तबा हुसैन है, रशीद अहमद सिद्दीकी है। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा दूसरा, यानी अहमद जमाल पाशा। अब आप मुझे बताइएगा अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। इसी के साथ साथ में क्वेश्चन और भी आप मुझे बताइएगा, श्यामत आमाल ये जो मजमून है, ये अहमद जमाल पाशा की किस किताब में शामिल है, किस तसनीफ में शामिल है, जल्दी से बताइएगा। दो क्वेश्चन आपसे किए गए हैं। तो देखिए, पहले का जवाब तो हो जाएगा अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में, याद रखिएगा, और 1987 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। श्यामत आमाल जो मजमून है, उनकी तसनीफ सितम ईजाद, याद रखेंगे, इसमें शामिल है, इसी से आप कह सकते हैं माखूज किया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया है, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है। चार ऑप्शन आपके पास में, आचार्य शंकर, अभिनव गुप्त, आचार्य भरत मुनि, आनंद वर्धन। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी आचार्य भरत मुनि की ये तसनीफ है। एक किताब का नाम और भी आपसे पूछ रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया है, ध्वनिया लोक, यानी ध्वनि यानी आवाज से रिलेटेड ये किताब है। ध्वनिया लोक जो है ये किसकी तसनीफ है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा ध्वनिया लोक जो है किसकी तसनीफ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका जवाब हो जाएगा आनंद वर्धन, यानी इस किताब के मुसन्निफ कौन है, याद रखिएगा, आनंद वर्धन। अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो बयान दिए गए हैं, एक में दावा किया गया है और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाब में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। देखिए, पहला जो दावा किया गया है, इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नक्काद है, बिल्कुल सही है। दलील है क्योंकि उन्होंने तनकीदी किताब काशफुल हकायक लिखी। अब यहाँ पे जो यूजीसी नेट के एग्जाम में चूंकि क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पे जो ऑप्शन दिया गया था, सही जो जवाब दिया गया था, उसमें यह था कि दावा भी सही है और दलील भी सही है, तो उसको हम भी यहीं पे यही कंसीडर करते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें, इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नक्काद, ये बात तो सही है, लेकिन उन्होंने तनकीदी किताब जो काशफुल हकायक ली, ये भी सही है, लेकिन ये दलील नहीं हो सकती उनके एक अहम नक्काद होने की। वो अहम नक्काद इसलिए कि उन्होंने बहुत सारी तनकीदी खिदमात अंजाम दी है, इसलिए वो उर्दू के क्या एक अहम नक्काद है। इमदाद इमाम असर इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताइएगा इमदाद इमाम असर की पैदाइश और साथ साथ में वफात, सने पैदाइश भी और सने वफात भी जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ में काशिफुल हकायक का एक दूसरा नाम भी, एक और नाम से किताब जानी जाती है, वो नाम मुझे आप बता दीजिए। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आगे नए क्वेश्चन ये बन सकते हैं। तो आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, 1849 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, पटना में, और 1934 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। काशफुल हकायक एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है बहारे सुखन, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है आपसे, बहारे सुखन। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबरस में शहजादे को किस चीज की तलाश है। ऑप्शन देखिए आपके पास में जो है, आब हयात की तलाश है, जादुई अंगूठी की है, तिलिस्मी फूल की है, बोलने वाला तोता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी आबे हयात की उसे तलाश है। जैसा आप सबको मालूम होगा, सबरस जो है एक तमसीली दास्तान है, किसकी है, मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। आप मुझे बताएंगे कि यह दास्तान कब लिखी गई है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई है। दोनों ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, दास्तान लिखी गई है 1635 ईस्वी में, कई बार हमने क्लास में डिस्कस भी किया है, और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, तो याद रखिएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर
ये किताब लिखी गई है। अब एक कॉल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबरस से रिलेटेड है, सबरस के मुताल्लिक है, सबरस के बारे में कहा गया है। सबरस जो है तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्जी किस्से के तौर पर लिखा है, ये किसका कॉल है? सबरस जो कि तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्जी किस्से के तौर पर लिखा है, ये स्टेटमेंट, ये बयान, ये कॉल किसका एग्जाम में पूछा गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, नसीरुद्दीन हाशमी। क्या जवाब हो जाएगा? नसीरुद्दीन हाशमी। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से निजामी औरूजी समरकंदी की तसनीफ कौन सी है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, लेबाबुल अलबाब है, काबूस नामा है, चहार मखाला है, खुजिस्तान नामा है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे क्योंकि ये सब किताबें हम अपने डिस्कशन में ला चुके हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, यानी चहार मकाला। उरूजी समरकंदी की किताब है चहार मकाला। तो फिर लेबाबुल अलबाब के मुसन्निफ है मोहम्मद औफी। क्या नाम बताया हमने, नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। फिर आप मुझे बता दिए काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है, काबूस नामा किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा उनसुरुल माली, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खुजिस्ता नामा किसकी तसनीफ है, यह आप मुझे बताएंगे अगर आप इसे किसी को मालूम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। चार तरतीबें आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का इजीली आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी सबसे पहले नजीर, उसके बाद में हाली, उसके बाद में इकबाल, उसके बाद में जोश। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नजीर अकबर आबादी के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में, दिल्ली में, इस बात को जरूर याद रखेंगे। और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। हाली की पैदाइश हुई है 1837 ईस्वी में पानीपत में। आप सब भी अपने अपने जवाब मेंशन कर सकते हैं। 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं इकबाल। तो इकबाल की पैदाइश हुई है 1877 ईस्वी में सियालकोट में। 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, जोश मलिहाबादी। 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। एक जनरल क्वेश्चन मैं आप सबसे कर रहा हूँ, रूह अदब किसका शायरी मजमुआ है? रूह अदब किस शायर का पहला शायरी मजमुआ है? ऑप्शन में आपके पास में नजीर है, हाली है, इकबाल है, जोश है। बताइए आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा जोश मलिहाबादी। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी होते हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इश्क नामा देखिए ऑप्शन में है, वो जो शायरी का सबब हुआ, गुली नगमा, आयत विजदानी, ये सभी जो हैं शायरी मजमुओं के नाम हैं। तो आप मुझे बताएंगे सही जोड़ कौन सा हो जाएगा। उम्मीद कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका तीसरा, यानी इश्क नामा जो है ये किसका शायरी मजमुआ है? तो याद रखेंगे इरफान सिद्दीकी का। वो जो शायरी का सबब हुआ ये किसका शायरी मजमुआ है? कलीम आजिज का। गुले नगमा किसका शायरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का। और आयत विजदानी किसका है? ये गाना चंगेजी का, जरूर याद रखिएगा। अब मुझे आप बताएंगे कलीम आजिज, फिराक गोरखपुरी, इरफान सिद्दीकी, ये गाना चंगेजी की सने पैदाइश और साथ ही साथ में सने वफात भी मेंशन कीजिएगा। कल की क्लास में हम इन चीजों को रिपीट भी कर चुके थे, यहां दोबारा से आपसे पूछ रहे हैं ताकि चीजें आपको लर्न हो जाए एग्जाम से पहले पहले। तो कलीम आजिज की सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1926 ईस्वी में नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 2015 ईस्वी में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें फिराक गोरखपुरी की, तो आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में गोरखपुर में और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा इरफान सिद्दीकी के बारे में। तो
तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1939 ईस्वी में, याद रखिएगा, बदायूं में, और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं यगाना चंगेजी के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में, याद रखिएगा, पटना में, और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। उम्मीद है कि सारी चीज अब आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से होती है, ये राय किसने दी है? ऑप्शन आपके पास है, मुहियुद्दीन कादरी जोर हैं, शौकत सबजवारी हैं, मसूद हुसैन खां हैं, मिर्जा खलील अहमद बेग हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अब मैं कुछ किताबों के नाम आपको बताने जा रहा हूं, आप बताएंगे उनके मुसन्निफ कौन हैं, उनके मुसन्निफिन के नाम आप मुझे बताएंगे। किताब नोट कीजिएगा, उर्दू जुबान और अदब। उर्दू जुबान और अदब के मुसन्निफ कौन है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उर्दू जुबान और अदब के मुसन्निफ कौन है। एक और किताब नोट करेंगे, मुकदमा तारीख, नोट कर लीजिएगा, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, इसके मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में किताब और भी आप नोट करेंगे, हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे, रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा, सरगुजश्ते गालिब, सरगुजश्ते गालिब के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे, उर्दू शहपारे, उर्दू शहपारे किसकी किताब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तसनीफात है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुई हैं, आप मुझे बताएंगे इनके मुसन्निफ कौन है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इनके मुसन्निफिन के नाम। उर्दू जुबान और अदब इसके मुसन्निफ हैं, याद रखेंगे, मसऊद हुसैन खां। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू इसके भी मुसन्निफ है मसऊद हुसैन खां। बाकी जितने भी तसनीफात, हिंदुस्तानी लिसानियात, रूह तनकीद, सरगुजश्ते गालिब, उर्दू शहपारे, इनके मुसन्निफ हैं मुहियुद्दीन कादरी जोर। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुगत में दर्ज ज़ेल अल्फाज की तरतीब क्या होगी? देखेंगे दर्ज ज़ेल अल्फाज की तरतीब लुगत में क्या होगी, यानी हुरूफ तहजी के एतबार से इन अल्फाज की तरतीब क्या होगी। तो सबसे पहले देखें, हिजर है तो हा हो नहीं सकता, वाह है, शौक है, तो देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये हो सकते हैं। लेकिन दूसरे और चौथे में अगर हम देखें तो शौक यहाँ भी, शौक वहां वर्ग यहाँ भी, लेकिन तीसरे वर्ड के अगर हम ध्यान से देखें, देखिए पहले वसल होगा बाद में हिजर होगा, क्योंकि वा से पहले आएगा और हा बाद में आएगा हुरफ तहजी में। तो हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ के निशानदही कीजिए। ब्रिज नारायण चकबस हैं, मीरा जी हैं, अख्तरुल ईमान हैं, साहिल लुधियानवी हैं, और उनके नज्मों के नाम दिए गए हैं, बाजामद हैं, चकले हैं, खाके हिंद हैं, जात्री हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रिज नारायण चकबस की नज्म कौन सी है, खाके हिंद। मीरा जी की नज्म कौन सी है, जात्री। अख्तरुल ईमान की नज्म कौन सी है, बाज आमद। साहिल लुधियानवी की नज्म कौन सी है, चकले। मैच कर लीजिएगा। अब मुझे आप बताएंगे ये, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, चकबस की पैदाइश कब हुई है, सने पैदाइश, सने वफात, मीरा जी के बारे में, अख्तरुल ईमान के बारे में, और साथ ही साथ में साहिल लुधियानवी के बारे में। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, चकबस की पैदाइश हुई है 1882 ईस्वी में फैजाबाद में, इंतकाल हुआ है 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर। मीरा जी की बात बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान आपकी पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा, बिजनौर में, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं साहिल लुधियानवी। साहिल लुधियानवी की पैदाइश हुई है 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और इंतकाल हुआ है 1980 ईस्वी में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। शेरी मजमू के नाम है, शोरा के नाम दिए गए हैं, इसी हिसाब से आपको सही जोड़ की निशानदेही करनी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है, शहरयार का, याद रखिएगा। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, जिगर मुरादाबादी का। अब इसी के साथ साथ में सुखन मुख्तसर किसका है, जज्बी का। निशा तेवह किसका है, असगर गोंडवी का। जिगर मुरादाबादी, जज्बी, असगर गोंडवी, शहरयार, इनकी सने पैदाइश के बारे में, सने वफात के बारे में जल्दी से आप सब लोग अपने अपने जवाब मेंशन कर दीजिए, क्योंकि जब तक चीजों को आप लिखेंगे नहीं चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। और ये चीज अगर आप, यानी सने पैदाइश सने वफात अगर आपको क्लियर हो जाती है तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो कम स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं। आसान क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन थोड़े इजी भी आते हैं एग्जाम में। देखिए तीनों तरह के क्वेश्चन, इजी भी होते हैं, मॉडरेट होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन ये सने पैदाइश के होते हैं, डिफिकल्ट माने जाते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं जिगर मुरादाबादी के बारे में। तो जिगर की पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है, इस बात को जहन में आप रखिएगा। अब अगर हम बात करें मोइन हसन जज्बी की, तो आपकी पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में, 2005 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है अलीगढ़ में। असगर गोंडवी, आपकी पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में, याद रखिएगा, गोरखपुर में। 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शहरयार की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देहली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी कोशिशों से कायम हुई? ऑप्शन आपके पास में कर्नल हॉलराइड है, लॉर्ड वेलेस्ली है, डॉक्टर स्प्रिंगर है, मिस्टर फैक्स बत्रूस है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सब लोग आंसर कर दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी मिस्टर फियाक्स बत्रूस। दिल्ली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन का क्याम कब अमल में आया था, इस सोसाइटी का जो क्याम है किस सन में आया था, तो याद रखेंगे 1843, कहीं कि 1841 भी मिलता है, जरूर जहन में आप रखिएगा 1843। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जुमरों की आपको निशानदेही करनी है। अच्छे से रीड कर लीजिए फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल को पढ़ चुके होंगे और सही जवाब तक आपके रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा दुरुस्त है और दूसरा जुमरा भी दुरुस्त है। अगर हम पहले जुमरे की बात करें तो यहाँ पे अफसानों के नाम दिए गए हैं, ये सभी अफसाने किसके हैं, तो याद रखिएगा राजेंद्र सिंह बेदी। किसके अफसाने हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं। दूसरे जुमरे की अगर हम बात करें तो ये सभी किसके अफसाने हैं? मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं। किसके अफसाने हैं? मुंशी प्रेमचंद के, जरूर जहन में आप रखिएगा। अब अगर हम तीसरे जुमरे की बात करें तो यहाँ पाली हिल की एक रात दिया गया है, ये एक अफसाना है कुर्रतुल ऐन हैदर का, जरूर आप याद रखेंगे। रोशनी की रफ्तार ये अफसानी मजमुआ है कुर्रतुल ऐन हैदर का। दीवाला, अगेन ये अफसाना है, किसका अफसाना है? राजन सिंह बेदी का। रोशनी, रोशनी अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। नया कानून, मोजेल हतक, ये सभी अफसाने हैं सादत हसन मंटू के। शिकवा शिकायत, ये अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। अब मुझे उम्मीद है कि सारी चीज अब आपको क्लियर है, बस एक चीज यहाँ पे आप मुझे बताइएगा मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब और इंतकाल कब हुआ है, साथ ही साथ में बेदी के बारे में और मंटू के बारे में, तीनों ही अरबी शख्सियात की सन पैदाइश और सन वफात आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, आपकी पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा, लाहौर में, और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में मुंबई में।
मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में बनारस में और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर जहन में आप रखिएगा। मंटू की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में, याद रखेंगे, लुधियाना पंजाब में, और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुमलों की साख के मुताले को क्या कहते हैं, जुमलों की साख के मुताले को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन आपके पास में सर्फ है, नहवी तफसीली है, नह तफसीली है, नह तरकीबी है, मफूली हालत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, आपका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी नहव तरकीबी। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। अच्छे से चारों जुमरों को पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दिए गए जुमरों में पहला जुमरा दुरुस्त है और तीसरा जुमरा दुरुस्त है। दास्तान बागो बहार तर्जुमा है लेकिन तबा ज़ात मालूम होती है। तीसरा जुमरा सुरैया ड्रामा अनारकली का किरदार है, बिल्कुल। ड्रामा जहाँ किसान तहरीक के पस मंजर में लिखा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इंसानी भेजों पर जिंदा रहने वाले एक शहनशाह की कहानी। ड्रामा जहाँ के मुसन्निफ है मोहम्मद हसन। अमानत लखनवी एक कामयाब दास्तान नवेस से नहीं बल्कि एक ड्रामा निगार है। उनका ड्रामा उनके ड्रामे का नाम क्या है, याद रखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, इंद्र सभा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफसाने मजमुआ रोशनी की रफ्तार में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रोशनी की रफ्तार किसका अफसाने मजमुआ है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। तो रोशनी की रफ्तार में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं, वो जुमरा आपको निशानजद करना है। तो उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका, हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, कोहरे के पीछे, नजारा दरमियान, हसर नसर, दुसैया, ये सभी अफसाने रोशनी की रफ्तार में शामिल हैं। अब अगर देखिए पहले ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जरूर आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए हसब नसब है, नजारा दरमिया है, ये तो अगेन रिपीट हो रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताइएगा आवारा जो गर्द है, आवारा गर्द, ये भी जो अफसाना है रोशनी की रफ्तार में शामिल है, जरूर जहन में आप रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, किस में शामिल है, रोशनी की रफ्तार में। तो फिर एक अलग से अफसाना आपके पास यहाँ पे कौन सा है, कलंदर, अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिर रिपीट हो रहा है, कलंदर तीसरे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे है, नजारा दरमिया, हसन हसन। तो यहाँ पे देखिए कलंदर हो गया, हाउसिंग सोसाइटी हो गया, तीसरे में देखें तो जिला वतन भी है, डालन वाला है, कलंदर है। यानी ये जो पूरा अगर हम बात करें, ये जो अफसाने हैं ये किस मजमुए में शामिल है, तो याद रखेंगे पतझड़ की आवाज और फकीरों की पहाड़ी और आवारगर्द, ये दोनों भी अफसाने रोशनी की रफ्तार में शामिल हैं। अब मुझे आप बताएंगे कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश के बारे में। सबसे पहली चीज तो आपका पहला नॉवल कौन सा है, साथ ही साथ में आपके पहले अफसाने मजमुए का नाम क्या है, और साथ ही साथ में आपका एक बहुत ही अहम रिपोर्टाज जो एग्जाम में पूछा गया है वो है सितंबर का चांद, जरूर आप जहन में रखिएगा। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं आपकी पैदाइश जो हुई है 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है मेरे भी सनम खाने, जरूर आप याद रखिएगा मेरे भी सनम खाने। पहला अफसाने मजमुआ है सितारों से आगे, सितारों से आगे, नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। सितंबर का चांद के एग्जाम में पूछा गया है किसका रिपोर्टाज है, तो जवाब हो जाएगा आपका कुर्रतुल ऐन हैदर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नॉवल फिरदौस बरी के पहले बाब का क्या उनवान है। ऑप्शन आपके पास है फिरदौस बरी है, परियों का गौल है, फिर वही आलम अनासिर, बलगान खातून का सफर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी परियों का गौल। फिरदौस बरी किसका नॉवल है, तो याद रखेंगे अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नॉवल है। ये नॉवल 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। अगर हम बात कर लें अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई 1860 ईस्वी में लखनऊ में और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी डॉक्टर मसूद हुसैन खां की तसनीफ कौन सी है, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। महमूद शीरानी की कौन सी है, पंजाब में उर्दू। अब्दुल कादिर सवरी की किताब कौन सी है, जुबान और इल्म जुबान। मिर्जा खलील अहमद बे की कौन सी है, उर्दू जुबान की तारीख। इस तरह से ये चारों जोड़े जो है मैच कर दिए गए हैं। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है, ऑप्शन आपके पास में, अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती है, लंबी लड़की है, बबल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी लाजवंती। सुंदरलाल जो है किस अफसाने का किरदार, लाजवंती। लाजवंती किसका अफसाना है, तो आप सभी को मालूम होगा राजन सिंह बेदी का शाहकार अफसाना है। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। शायरी के सिलसिले में मुताले कायनात और तफहुसे अल्फाज को किस नक्काद ने जरूरी करार दिया, सैयद एहतशाम हुसैन है, अल्ताफ हुसैन हाली है, शमशुर रहमान फारूकी है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी अल्ताफ हुसैन हाली। अब अगर हम बात कर लें एहतशाम हुसैन के बारे में, हाली के बारे में, फारूकी के बारे में और कलीमुद्दीन अहमद के बारे में, सने पैदाइश और सने वफात जल्दी से सब लोग बता देंगे। आप सब जरूर अपने आंसर कमेंट में मेंशन कीजिए, इससे चीजें आपको प्रिपेयर हो जाएंगी, यानी आप सोचेंगी जो चीजें आपको नहीं मालूम होंगी उनको नए सिरे से याद करने की आप कोशिश करेंगे, यानी अगली क्लास में आप जरूर प्रिपेयर होकर आएंगे कि अगर ये चीज हमसे दोबारा पूछी जाती है तो हम बता सकें। तो चलिए सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश के बारे में बात करें, तो आपकी पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में, 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश हुई 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में और 2020 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब इसके बाद में यूजीसी नेट के निसाब में जो नज्म गो शोरा हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने गजल गो शोरा के बारे में, सने पैदाइश और सने वफात के बारे में पूरा डिस्कस किया था, वैसे आज के इस सेशन के लास्ट में हम मुकम्मल डिस्कस करने वाले हैं उर्दू के नज्म गो शोरा की, सने पैदाइश और सने वफात के बारे में। तो पहले आप मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, मैं सभी नज्म गो शोरा के नाम लिख दूंगा, बस आप मुझे उनकी सने पैदाइश और सने वफात जल्दी से सब लोग बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब मुझे उम्मीद है कि तैयार होंगे इस सेशन के लिए, और इससे क्या होगा पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा नजीर के बारे में, नाम मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, बस आपको बताने में आसानी हो जाएगी। नजीर के बाद मुझे आप बताएंगे हाली। इनमें से देखिए मैक्सिमम हम जो है क्लास में रिपीट भी कर चुके हैं, लेकिन आप मुझे बताएंगे इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। और हाली के बाद मुझे बताइएगा इस्माइल मेरठी, इस्माइल मेरठी के बारे में, इस्माइल मेरठी के बारे में उसके बाद बताइए मुझे अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी के बारे में बताएंगे। फिर आप मुझे बताइएगा मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में बताइएगा। अगेन आप मुझे बताएंगे इसके बाद में चकबस के बारे में मुझे बताइएगा, चकबस के बाद में आप मुझे बताएंगे अल्लामा इकबाल के बारे में, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। इकबाल के बारे में अगर आपने बता दिया है तो फिर आप मुझे जोश मलिहाबादी के बारे में बताइएगा। इसके बाद में मुझे आप मीरा जी के बारे में बताइएगा, मीरा जी के बारे में मुझे आप बताएंगे। उसके बाद में मुझे आप फैज के बारे में बताइएगा, फैज के बाद में मुझे आप अख्तरुल ईमान के बारे में बताइएगा। सब लोग बताने की कोशिश करेंगे, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, यानी आप कोशिश करेंगे चीजें तभी आपको क्लियर होंगी, पहले आप ट्राई करेंगे देन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आप मुझे बताएंगे मखदूम मुहियुद्दीन के बारे में, देन उसके बाद में नून मीम राशिद के बारे में आप मुझे बताइएगा, और नून मीम राशिद के बाद में
साहिर लुधियानवी के बारे में आप मुझे बताएंगे और उसके बाद में शफी फातमा शोहरा के बारे में आप मुझे बताएंगे। तो सभी की सने पैदाइश और सने वफात सब लोग मेंशन कर दीजिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से कोई ऐसा नहीं कि जो आपसे एग्जाम में दोबारा पूछा ना जा सकता हो। इनसे रिलेटेड सने विलादत के एतबार से, सने पैदाइश के एतबार से, जाए वफात के एतबार से, जाए पैदाइश के एतबार से कौन सा जुमरा दुरुस्त होगा, कौन सा सही होगा, इस तरह से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रिक्वेंटली ये सारे फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जल्दी से सब लोग अपने अपने आंसर मेंशन कर दीजिए, आपके पास में एक मिनट का समय है, लगभग एक मिनट का समय आपको मिलेगा, आप अपने अपने आंसर आप मेंशन कर दीजिए। सब लोग मेंशन करेंगे, जल्दबाजी आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी आप करेंगे तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे और इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक एक करके मैं आपको बताता चलता हूं, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा ताकि जो बाकी आप लोग रह गए हैं वो भी अपने आंसर मेंशन करें। चले तो सबसे पहले हम नजीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम नजीर के बारे में बात करें तो याद रखेंगे आपकी पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में, कहाँ हुई है, दिल्ली में, और आपका इंतकाल कहाँ हुआ है, 1830 ईस्वी में, आगरा में। देखिए नज़ीर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इनकी सने पैदाइश एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कन्फ्यूज नज़ीर अकबर आबादी यानी आगरा से इनको रिलेट किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर लम्हा जो है आगरा में गुजारा है और आगरा से अपने आप को बिल्कुल जोड़ दिया था। लेकिन इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई है, दिल्ली में, ज़रूर याद रखेंगे। हाल ही की पैदाइश अभी मैंने आपको बताया है 1837 ईस्वी में पानीपत में, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। 1914 में और किसका इंतकाल हुआ, तो याद रखिएगा 1914 में अल्लामा शिबली नोमानी की वफात हुई है, 1857 में आपकी पैदाइश है और 1914 में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इस्माइल मेरठी के बारे में। तो इस्माइल मेरठी की पैदाइश हुई है 1844 ईस्वी में, याद रखिएगा मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1917 ईस्वी में आपका मेरठ ही में इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अकबर इलाहाबादी, जल्दी से बताइएगा अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में, जरूर याद रखेंगे, मौजूदा नाम क्या है, प्रयागराज। और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में, जिनकी एक बहुत ही अहम किताब है आबे हयात। चलिए मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में दिल्ली में, याद रखिएगा, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। पंडित ब्रज नारायण चकबस, आपकी पैदाइश हुई है 1882 ईस्वी में फैजाबाद में, याद रखेंगे, और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिश के हमले के से आपकी मौत वाकई हुई। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के बारे में बात करते हैं तो आपकी पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में, याद रखेंगे, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं जोश मलिहाबादी के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है, याद रखेंगे, 1898 ईस्वी में मलिहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप इसे जहन में रखेंगे। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीरा जी के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में लाहौर में, और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जोश के बारे में यहाँ पर सही कर लीजिएगा, 1898 हमने लिखा है, यहाँ पे लिखिएगा 1896, पीछे हमने भी आपको बताया भी था। फैज के बारे में अगर हम बात करें तो 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान के बारे में बात करें तो 1915 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। मखदूम मुहियुद्दीन, आपकी पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में हैदराबाद में, और 1969 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है, तदफीन अमल में आई हैदराबाद में। नून मीम राशिदानी नजर मोहम्मद राशिद, आपकी पैदाइश हुई है 1910 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में,
और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है, साहिर लुधियानवी। आप मुझे बताइएगा साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है? तो आपका असल नाम है अब्दुल हई। 1921 ईस्वी में आपकी लुधियाना में पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है, शफी फातमा शेरा। आपकी पैदाइश हुई है 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा, नागपुर में, और 2012 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये हैं उर्दू के अहम नज्म को शुरा जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप सबके लिए एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि सारे फैक्ट जो आपको अगर लर्न हो जाते हैं तो यकीन मानिए जो नए क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे उसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो इस सेशन को सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या किसी भी उर्दू के ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो यूजीसी नेट से मैच करता हो, तो उनके साथ में आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सकें। तो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।